To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. मैं एनएन पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक सम। सम में कुछ डिजिट्स हैं, कुछ लेटर्स हैं। करना क्या है? लेटर्स को डिजिट से रिप्लेस करना है। याद रखने वाली बात है, हर लेटर के वैल्यू अलग अलग होंगे। कोई भी दो लेटर्स के समान वैल्यू नहीं हो सकते। आप सॉल्यूशन देखें, उसके पहले मेरा एक निवेदन है, आप इस पजल को अपने से सॉल्व करें, वीडियो बंद करें, सॉल्व करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी पजल्स हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। हम बार बार इस तरह की पजल रिपीट क्यों कर रहे हैं? अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। आई एम श्योर आपने वीडियो बंद किया होगा और सम को सॉल्व किया होगा। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन और कंपेयर करते हैं प्रोसेस और उत्तर। सम है ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई सी सेवन डी। प्रोडक्ट है ए बी जीरो एच बी एच डी। मल्टीप्लीकेशन के स्टेप्स भी दिए हैं। स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हम मूल्य निकालेंगे d का। d इंटू डी इक्वल्स टू स्टार d। यहां से हमें d के दो मूल्य मिलते हैं, 5 या 6। 5 5 25 एंड 6 6 36। लेकिन हम देखते हैं कि 7 इंटू डी इज इक्वल टू स्टार d। इसका अर्थ है d का मूल्य 5 ही होगा, d का मूल्य 6 हो नहीं सकता। d के मूल्य के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 7 प्लस डी इक्वल्स टू स्टार एच। एच का मूल्य हो जाएगा 2, बिकॉज 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट स्टेप, 7 इंटू ए प्लस ब्रॉक फॉरवर्ड इक्वल्स टू एच डी। दैट इज 7 इंटू ए प्लस ब्रॉक फॉरवर्ड इक्वल्स टू 25। ए का मूल्य मिलेगा, ए विल बी इक्वल टू 3। 7 इंटू 3 21 प्लस ब्रॉक फॉरवर्ड 4 25। ए का कोई दूसरा मूल्य हो नहीं सकता, आप कोशिश करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एच प्लस ए प्लस 1 दैट इज ब्रॉक फॉरवर्ड इक्वल्स टू बी। दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू बी। बी का मूल्य मिला 6। आगे बढ़े, सी इंटू ए प्लस ब्रॉक फॉरवर्ड इक्वल्स टू ए ए। दैट इज सी इंटू 3 प्लस ब्रॉक फॉरवर्ड इक्वल्स टू 33। सी विल बी इक्वल टू 9। रीजन, 9 3 27 प्लस ब्रॉक फॉरवर्ड 6 33। C का और कोई वैल्यू आप बढ़ा नहीं सकते। ट्राई करिए, 7 8 से आपको 33 नहीं मिलेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टेप, G प्लस बी प्लस डी प्लस 1 ब्रॉक फॉरवर्ड इक्वल्स टू स्टार B। दैट इज G प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू स्टार 6। G का मूल्य हो जाएगा 4। लास्ट स्टेप, F प्लस एफ प्लस डी प्लस 1 ब्रॉक फॉरवर्ड इक्वल्स टू स्टार H। दैट इज F प्लस एफ प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू स्टार 2। F का मूल्य हो जाएगा 8। F का मूल्य 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 12। लेकिन हम पहले ही A का मूल्य 3 कंफर्म कर चुके हैं, इसलिए F का मूल्य होगा 8। सारे मूल्य मिल गए, A 3, B 6, C 9, D 5, F 8, G 4, H 2। मैंने लेटर्स के वैल्यू सम में रिप्लेस किए। आप क्रॉस चेक करें। इस तरह की पजल सॉल्व करने से
हमारी न्यूमेरिक एबिलिटी बढ़ेगी, नंबर्स पर हमारी पकड़ मजबूत होगी। इसी तरह से अपनी एबिलिटीज बढ़ाते बढ़ाते हम 501 पजल की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।